गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह की बहुत ही बेहतरीन नौकरियों की जानकारी के साथ आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत जल्द आपके लिए बम्पर वैकेंसीज छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी होने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आप भी 12वीं पास हैं, यदि आप भी स्नातक हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और सुनहरा अवसर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ADEO के पद, छात्रावास अधीक्षक के पद, लेब इंस्पेक्टर के पद और अमीन पटवारी के पदों पर भर्तियां अलग अलग विभागों में होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि इन पदों के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है? यदि नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इन पदों के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक होती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करें साथियों ADEO की पद की, ठीक है। ADEO जिसे असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी के ये जो पद हैं ADEO, ठीक है, इसके लगभग 200 से भी अधिक पद आने की संभावना है, ठीक है। 200 से भी अधिक पद आएगी, बहुत जल्दी आएगी। इसका जो पूरा इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिलेंगी। साथियों, परसों के जो न्यूज़पेपर आपको देखने को मिला है, वहां पर पूरी डिटेल्स बता दी गई है कि क्या क्या वैकेंसीज आने वाली है, आप सभी जान रहे हैं। तो ADEO की यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं साथियों, तो देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ग्रेजुएशन। यदि आपने किसी भी विषय से स्नातक लिया हुआ है, ठीक है, तो किसी भी विषय से यदि आपने स्नातक लिया हुआ है तो आप ADEO के इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। बात करें हम छात्रावास अधीक्षक की छात्रियों, देखिए तो ये जो छात्रावास अधीक्षक का पद है वह आदिम जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत होने वाला भर्ती है, ठीक है। अर्थात आदिम जाति जनजाति विभाग में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी और ये जो भर्ती है CG व्यापम के माध्यम से होता है, ठीक है। पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक। इनके लिए हम योग्यता की बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लगभग 300 से भी अधिक पद छात्रावास अधीक्षक के आने वाले हैं। इसकी योग्यता सिर्फ और सिर्फ साथियों 12वीं पास होती है, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक की जो योग्यता है सिर्फ 12वीं पास होती है। यदि आपने भी 12वीं किसी भी विषय से कर रखा है तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही अच्छी नौकरी होती है छात्रावास अधीक्षक। जो गवर्नमेंट मैट्रिक छात्रावास रहता है वहां पर आपकी जो पोस्टिंग है होती है साथियों, तो बहुत ही बेहतर और सुनहरा अवसर है आप सबके लिए। तीसरी सबसे बड़ी जो भर्ती है, ठीक है, वो है आपका लेबर इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो लेबर इंस्पेक्टर के पद पर भी आने वाले समय में बड़ी भर्ती होने वाली है, इसका नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। चुनाव एक साल बचा है साथियों, इस बीच बड़े बड़े विभागों की बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो लेबर इंस्पेक्टर के लिए हम योग्यता की बात करें तो इसके लिए भी स्नातक होना चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री यदि आपने ले रखा है तो आप लेबर इंस्पेक्टर के इस पद के लिए योग्य हैं। अभी से तैयारी शुरू कर दें साथियों। तो इनकी जब पोस्ट की हम बात करें तो बड़ी भर्तियां इनमें भी होने वाली है। पोस्ट डिटेल्स ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन से ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका, देखिए, अमीन पटवारी की भर्ती जिसे हिंदी में बांध निरीक्षक बोलते हैं, ठीक है। तो अमीन पटवारी की भी बड़ी भर्ती होने वाली है। यह जो भर्ती है साथियों छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में अमीन पटवारी की बड़ी भर्ती होती है। इसके लिए कुल पदों की संख्या की हम बात करें तो 200 से भी अधिक पदों पर भर्ती होना संभावित है, ठीक है। इसके लिए जो माध्यम ऑनलाइन होगा, जो भी प्रोसेस है, इसकी भर्ती जो है लिखित परीक्षा व्यापम के माध्यम से लिया जाएगा। बड़ी भर्ती है साथियों,
जो कि आपका अमीन पटवारी की होना है। अमीन पटवारी की भर्ती के लिए यदि हम योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था, बोर्ड या विश्वविद्यालय से यदि आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा है, तो आप योग्य हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, 4 अलग-अलग विभागों में हजारों पदों पर भर्तियां होने वाली है। ये 12वीं और सिर्फ स्नातक पास उम्मीदवार के लिए ही बेहतर अवसर है। यदि आपने ये तमाम योग्यताएं ले रखी है साथियों, तो बिल्कुल देर ना करें, आज ही तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आपने इस समय को खो दिया तो आप पछताते रह जाओगे, क्योंकि चुनाव 1 साल ऑलरेडी बचा हुआ है। यही सबसे बड़ी वजह है कि सभी राज्यों में धड़ाधड़ भर्तियां निकल रही है। हमारे राज्य में चूंकि आरक्षण के मुद्दे की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन ये तमाम जो भर्तियां हैं, जैसे ही आरक्षण का मामला क्लियर होगा, भर्तियों का पिटारा ओपन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भर्तियों का पिटारा धड़ाधड़ ओपन होगा और सभी विभागों में अलग अलग विषयवार पदवार जो भर्ती है होएगी। तो बिल्कुल देर ना करें, तैयारी शुरू करें, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपका एक पद सिर्फ आपका है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ नई अपडेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।